होली के बाद बिहार में होगा खेला, क्या तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम, क्या नीतीश दिखाएंगे बड़ा दिल, बिहार में महागठबंधन में खटास बढ़ने के कयास तेज हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि सीएम पद को लेकर खींचतान तेज है। इसी बीच मंगलवार को राजद खेमे से दावा किया गया कि बिहार में होली के बाद सियासी खेला होगा और सीएम नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ताजपोशी करके बैक सीट पर आ जाएंगे। ये दावा किया है बिहार आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने। उनका कहना है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे, नीतीश कुमार खुद उन्हें बिहार की सत्ता सौंप देंगे। इस दावे के बाद बिहार में खलबली मच गई है। दरअसल पिछले दिनों नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक में कहा था कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे, उन्हें ही महागठबंधन को आगे बढ़ाना है। उनके इस बयान पर बिहार में कयास लगने लगे कि होली के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और मौजूदा समय में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी होगी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश के करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सिरे से आरजेडी नेताओं के तमाम नारों को साइड कर दिया है। ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं है, इस चलते बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा और किसके हाथ में सत्ता की बागडोर होगी, इसका फैसला 2025 में किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हमने जो कहा है उसमें विरोधाभास कहा है। हाँ, हंगामा करने वाले कुछ मीडिया हैं जिनका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। किसी भी चीज को गलत ढंग से पेश करना, किसी भी चीज को गलत ढंग से पेश करना, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, कहां विरोधाभास? बड़ी बात यह है कि जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, मौजूदा गठबंधन में उनकी स्थिति दयनीय हो गई है, जेडीयू का खात्मा तय है। कुशवाहा ने अपने बयान से कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा जरूर कर दिया है। अगल बगल वाले लोग हैं जिस तरह की सलाह दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उस तरह से नीतीश जी एक्ट कर रहे हैं और ऐसी स्थिति देखकर कभी कभी तो दया आती है कि क्या थे नीतीश कुमार जी और आज क्या बना दिया है उनके साथ वाले लोगों ने उनको, तो देखकर दया आती है। लेकिन स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति जब जिस मकसद से आदमी राजनीति करता है वही मकसद जब ध्वस्त होने लगे तो क्या करेगा आदमी, इसलिए लोग साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, जेडीयू को तो दुनिया की कोई ताकत अब नहीं बचा सकती, इसको तो ख़त्म होना ही है, इसमें कहीं कुछ नहीं। हाँ, फिलहाल जो MLA लोग हैं तो उनके मन की चिंता है कि क्या करें, तो वैसे लोग अगर इधर से टूटकर कुछ उधर चले जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, ऐसा तो हो ही सकता है। जेडीयू नहीं बचने वाला है, इतना तो फाइनल। अगर बिहार के सियासी आंकड़ों को देखें तो आरजेडी के 80 और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 43 विधायक हैं। इसी आधार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन में बड़े दल का नेता होने के चलते सीएम की कुर्सी पर बैठाने की मांग उठा रहे हैं। देखना होगा होली के बाद बिहार की राजनीति में सियासी होली मिलन होता है या सियासी जानकारों को क्लीन बोल्ड करने वाले नीतीश कुमार कोई मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।